तो सो आज हम बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान के स्टॉक के बारे में। बजाज हिंदुस्तान के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगातार क्लियर अपट्रेंड में देखने मिल रहा है। हमको यहाँ पे स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने मिल रहा है। अभी रिसेंटली हमको यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने मिली थी, लेकिन अभी अगेन हमको यहाँ पे स्टॉक में रिकवरी देखने मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पे स्टॉक में 5.82% की यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, और आज की तेज़ी से हमको यहाँ पे स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने मिल रहा है। ब्रेकआउट की बात करें तो जो स्टॉक है ये पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगातार 27.4 आपको जो लेवल है इसी के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 28.45 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन या तो हमको स्टॉक में 29.75, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 32.45, इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 35, और अगर स्टॉक ने यहाँ पे इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 37 और 40 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट स्टेप और रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 27.45 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 25.60 एंड देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 24.45, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 23.20 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट स्टेप ऑफ सपोर्ट। तो इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।